1966 में आज ही के दिन लंदन वेस्टमिंस्टर के सेंट्रल हॉल में प्रदर्शनी के लिए रखा गया फुटबॉल वर्ल्ड कप किसी ने चोरी कर लिया था। 30,000 पाउंड की कीमत वाली ट्रॉफी तब गायब हो गई जब भवन के दूसरे हिस्से में एक प्रार्थना सभा चल रही थी। ब्राजील जो उस वक्त का चैंपियन था उसने कप को इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन के हवाले किया था। इस बार वर्ल्ड कप का आयोजन ब्रिटेन कर रहा था। हालांकि फेडरेशन सीधे तौर पर चोरी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, लेकिन उसने यह जरूर स्वीकार किया कि आखिरकार इसकी जिम्मेदारी उनकी है। बाद में लंदन में कप कहीं गड़ा हुआ पाया गया जिसे पिकल्स नाम के कुत्ते ने ढूंढा था। ब्राजील ने यह कप 8 बार हासिल किया था। 1973 में आज ही के दिन भारत के सर्वश्रेष्ठ गोल्फ खिलाड़ियों में से एक अर्जुन अटवाल का जन्म हुआ था। अर्जुन ने गोल्फ में एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के रूप में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। उन्होंने प्रतिष्ठित यूएस पीजीए टूर में खेलकर प्रथम भारतीय खिलाड़ी होने का गौरव पाया है। अर्जुन ने किशोरावस्था में ही गोल्फ की ट्रिक्स और बारीकियां सीख ली थी। उन्होंने 2003 में एशियाई ऑर्डर ऑफ मेरिट में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। 2003 में अर्जुन भारत के ऐसे पहले खिलाड़ी जिन्होंने एशियाई पीजीए टूर में 10,00,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की। में आज एक दिन नामीबिया ने 75 सालों के दक्षिण अफ्रीकी शासन से आजादी पाई थी। नामीबिया अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी तट पर बसा एक बड़ा और कम जनसंख्या वाला देश है। 1800 में जर्मनी ने दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। 1908 में जब इस इलाके में हीरों की खोज होने लगी तो बहुत सारे यूरोपीय देशों की इस क्षेत्र में दिलचस्पी बढ़ी और बड़ी संख्या में यूरोपीय लोगों का यहाँ आना शुरू हो गया। पहले विश्व युद्ध के छिड़ने पर दक्षिण अफ्रीका ने यहाँ अपना कब्जा जमा लिया और तब से ही लीग ऑफ नेशंस के अंतर्गत इस इलाके में दक्षिण अफ्रीका का शासन चलने लगा। करीब 25 सालों तक नामीबिया के लोगों ने घात लगाकर किए जाने वाले हमलों से प्रशासन को परेशान कर दिया। संयुक्त राष्ट्र शांति उपायों को मानते हुए 1988 में दक्षिण अफ्रीका पूरे 2003 में आज के दिन इराक पर अमेरिकी मिसाइल हमले शुरू हो गए थे। अमेरिका के नेतृत्व में आरंभ हुए इन हमलों का उद्देश्य था सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटाना। बमबारी शुरू होने के कुछ देर बाद ही राष्ट्रपति जॉर्ज बुश टेलीविजन पर आए और वादा किया कि इराक को निशस्त्र कर दिया जाएगा और वहां की जनता को आज़ादी दिलवाई जाएगी। बमबारी प्रारंभ करने का हुक्म चेतावनी की डेडलाइन खत्म होने के 2 घंटे बाद जारी किया गया था। अमेरिकी सूत्रों का कहना था कि हमले की पहली खेप में इराक के प्रमुख लोगों को निशाना बनाया गया था। इसमें इराक के नेता सद्दाम हुसैन भी शामिल थे। बमबारी शुरू होने के कुछ देर बाद ही सद्दाम हुसैन टीवी पर लाइव आए और कहा कि मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि अपने मुल्क की हिफाजत के लिए आपको क्या किया जाना चाहिए। और 2014 में आज के दिन भारत के प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, उपन्यासकार और इतिहासकार खुशवंत सिंह का निधन हुआ था। उन्होंने पारंपरिक तरीका छोड़ नए तरीके की पत्रकारिता शुरू की थी। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में भी उन्होंने काम किया। 1980 से 1986 तक वह राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। खुशवंत सिंह जितने भारत में लोकप्रिय थे उतने ही पाकिस्तान में भी लोकप्रिय थे। उनकी किताब ट्रेन टू पाकिस्तान बेहद लोकप्रिय हुई। इस पर फिल्म भी बनी जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। साहित्य के क्षेत्र में पिछले 70 वर्ष में खुशवंत सिंह के आयामी योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। दिल्ली, ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वुमन जैसे उपन्यास खुशवंत सिंह के मशहूर उपन्यासों में शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने लगभग 100 महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी हैं।